देश भर में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते देश भर में एड्स की रोकथाम के लिए चल रहे संगठन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और एड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं पंचकुला में भी सोमवार को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पंचकुला स्थित रेड बिशप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे। राजीव अरोड़ा जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरियाणा स्टेट HIV एड्स सोसाइटी, श्रीमती वीना सिंह जी, DG हेल्थ SB कंबोज जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, HIV एड्स को लेकर के बहुत वर्षों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से HIV एड्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हर साल विभिन्न स्तरों पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करती है और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर HIV एड्स के मरीजों की संख्या में कमी आई। मैं इसके लिए सभी अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार का विशेष प्रयास रहा है और उसी के तहत 8 सेंटर्स जो हैं वो प्रदेश भर में नए खोले जा रहे हैं और अभी मैं बेनती भी करना चाहूँगा कि पंचकूला में इस प्रकार का सेंटर अभी नहीं है और उसको जल्द से जल्द पंचकूला में भी ये 8 सेंटर यहाँ पर खोला जाए ताकि जो HIV एड्स के मरीज हैं उनको चंडीगढ़ में जाना ना पड़े। और एक विशेष जो ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि HIV एड्स, जैसा भी डॉक्टर वीना सिंह जी ने बताया कि जैसे ट्रक ड्राइवर्स के अंदर, ज्यादा लेबर कॉलोनीज के अंदर या जहां जहां पर भी ऐसे स्पॉट हैं वहां पर पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें कोई ना कोई वहां पर अवेयरनेस का कैंपेन, कोई कैंप उनको गाइड करने के लिए और वहां पर परमानेंट साइन बोर्ड्स एड्स के क्या क्या नुकसान है, इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं, इस प्रकार के साइन बोर्ड स्थान स्थान पर लगाएंगे। हर हॉस्पिटल के अंदर जहां जहां बड़ी ट्रक यूनियंस हैं वहां उनके ऑफिसेज के बाहर या लेबर कॉलोनीज के अंदर स्थान स्थान पर लगाए जा सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि HIV एड्स के जो संख्या है उसके अंदर वृद्धि ना हो। और एक चीज और कि एड्स के बारे में ज्यादातर लोग उसकी जानकारी देने से हिचकिचाते हैं, कई बार तो वो हॉस्पिटल में भी जाकर जाना नहीं चाहते, जिससे बीमारी जो है वो और बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जब लोग अवेयर होंगे तो उसको अर्थप्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि कल 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, उस उपलक्ष्य में आज हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे बीच में डॉक्टर वीना सिंह जी मौजूद हैं। उन्होंने एक लार्ज स्केल पर आए प्रोग्राम किया, वो हर वर्ष करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस वर्ष के प्रोग्राम में क्या खास चीज़ें हैं जो पिछली बार नहीं थी। डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू
अब की बार हमने सोचा इसको डिफरेंट करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स को में हमने प्लान किया है ई रिक्शा। एक तो रिक्शा का उपयोग करके पूरे शहर में जागरूकता फैलाएंगे, वैन्स जा रही हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे टेस्टिंग हो जाए, और साइकिल रैली चल रही है जिससे सारे स्कूल के बच्चे यंग बच्चे सब प्रोत्साहित उनको समझ में आ जाए कि एड्स क्या है। तो इस तरीके से मनाने में तो उससे क्या होता है कि एक के बाद एक दूसरी सबको इन्वॉल्व होते हैं तो उनको जानकारी भी हो जाती है एड्स की। मैडम पिछली बार जो प्रोग्राम किया था आपने, हाँ। मैडम उस तब भी अवेयरनेस आपने किया था पूरा, हाँ। हरियाणा के अंदर आप गए थे स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज गए थे, तो मैडम उस प्रोग्राम में अवेयरनेस में कितना लगा कि लोगों में अवेयरनेस हुई है ये बताना। मैं बताती हूँ 2017 में 5-6 लाख टेस्टिंग थी, लेकिन 18-19 में 12.5 लाख टेस्टिंग करी हमने, और अभी आने मतलब हमने 5 लाख से जंप करके सीधा हमारे इतने अच्छे मोटिवेटेड वर्कर्स हैं फील्ड में कि इतनी टेस्टिंग करके हमारा काम ही टेस्टिंग है, तो वो 12 लाख पहुंच गई है। और 19-20 के लिए हमने फैसला कर लिया है कि 15 लाख को क्रॉस करना है। दूसरा हमारा एम है कि प्रेग्नेंट वीमेन, हर प्रेग्नेंट वीमेन का एचआईवी की जांच करेंगे, दवाई देंगे जिससे एचआईवी नेगेटिव बेबी हो जाए ताकि उसको बीमारी ना फैले। दूसरा हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तीसरा कि अब डायग्नोसिस तो हो गया है, एड्स तो हो गया है, दवाइयाँ इतनी सारी खानी है, तो हम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में एआरटी शुरू करने वाले हैं। नहीं तो मरीज सिर्फ हरियाणा में एक एआरटी था, अभी हमने 10 का प्रपोजल है, इस साल हम कर देंगे। और हमारे बीच में हरियाणा एड्स ग्रोथ सोसाइटी के स्टाफ के एक स्टाफ भी जुड़ चुके हैं, प्रीति नारंग मैम हैं। प्रीति नारंग मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर हमारी मैडम ही इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ कि हमारा सारा ही दिन काम करने का मन करता रहता है। वो हमारी तारीफ करते हैं, हम कहते हैं कि हम इस काबिल ही तभी हुए हैं जब ये मैडम हमारे साथ। तो मैडम की आपकी कौन सी गुण आपको अच्छा लगा, खूब भी अच्छी लगी? किसी के व्यक्तित्व में कोई गुण तो अच्छा लगता है ना, जिसके कारण आप खिंचे हुए हो, सारा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ही खिंची हुई आ रही है, तो कौन सा गुण अच्छा लगा? मैडम हमें कभी भी ऑर्डर से नहीं बल्कि प्यार से काम कराते हैं, हर वक्त हमारे साथ प्यार से रहते हैं, हर वक्त हमें इनको छोड़ने का ही मन नहीं करता कि पूरा दिन जितना भी काम हमसे करवा सकते हैं हम और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है हम मैम से, हम मैं पूरे स्टाफ की तरफ से ये बात कह रही हूँ कि पूरा स्टाफ हमारा बहुत मोटिवेटेड है मैम की तरफ से। जो हमारे बीच में ये और जुड़ गए हैं, क्या नाम है आपका? अनुपम लिखा। अनुपम लिखा जी आप एड्स ग्रोथ सोसाइटी में, आपके वेशभूषा से लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो हाँ, कैसा लगता है कि आज बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज के एड्स दिन में। हमारी पंचकुला की टीम डॉक्टर वीना सिंह और टीबी के सभी मान्य सदस्यों के बीच में हम रह के अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिनका बहुत अतुलनीय साहस है जो वर्ल्ड एड्स डे के आज हमें प्रमोट कर रहे हैं। और मेरे साथी में मिस प्रीति भी हैं जो कि हम मैडम के अनुसार पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने एड्स का आज बहुत हर्षोल्लास से पूरे पंचकुला में वर्ल्ड एड्स टॉप एड्स डे मनाया जा रहा है। तो भाइयों बहनों आपने देखा कि ये शख्स किस जज्बे के साथ लगे हुए हैं हरियाणा को एड्स मुक्त करने में। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, इन्होंने अपने लीडर की एक क्वालिटी तय की, वो प्यार से हमें इतना बातचीत करते हैं, हमें लगता नहीं कि ऑर्डर कर रहे हैं। तभी किसी ने कहा कि प्यार से आप दुनिया को जीत सकते हो, ये कथन आज यहाँ पर बहुत बड़ा चरितार्थ हो रहा है डॉक्टर वीना सिंह के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।